आज हम ड्रामा सीरियल जाने साथ के बारे में बात करेंगे। सरप्राइज तो बहुत खुश होता है कि अब इसे दोनों तरफ से यानी दुआ कश्माला की बहुत ज्यादा दौलत आने वाली है, लेकिन फैसला तो अब सरफराज को करना है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं कश्माला के लिए मजीद काम करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी रकम नहीं मिलेगी, और फिर कश्माला के साथ काम करके मेरी जान जाने का भी खतरा है। दूसरी तरफ दुआ है जो मुझसे शादी करना चाहती है, और अगर मैं दुआ के कहने पर कश्माला की हकीकत गफरी को बता देता हूँ तो इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और दुआ के साथ साथ गफरी की दौलत भी मेरे हाथ आ जाएगी। दूसरी तरफ सरफराज की अम्मी सरफराज को बताती है कि हमने सुबह की शादी का फैसला बहुत गलत किया है, अब सुबह के साथ वही हो रहा है जो हम फिदा के साथ करते थे। सुबह को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसने फिदा के साथ अच्छा नहीं किया। फिर तो आपने अपना को बताती है कि मैं थक चुकी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे सरफराज से मिलना पड़ा ताकि सरफराज को लालच देकर अपनी सच्चाई के सबूत दे सको। पास करी फिदा बोलती है अब इसे अपनी गलती को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला है। फिर जब सरफराज कश्माला से बात करता है और इसे कहता है कि दुआ मुझसे शादी कर रही है और शादी के बाद दुआ की जायदाद मेरी हो जाएगी, और जब सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी तो एक बार फिर मैं दुआ को धोखा दे दूंगा और उसे तलाक दे दूंगा, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मुझे मेरी रकम चाहिए, और अगर कल तक मेरी सारी रकम का इंतजाम ना हुआ तो मैं तुम्हारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग दुआ को दे दूंगा, उसके बाद क्या होगा तुम खुद अंदाजा लगा लो। तमाम बातें सुबह सुन रही होती है और उसे अफसोस होता है कि वो आज तक दुआ को कसूरवार ठहराती है, लेकिन यहाँ तो खुद इसका भाई एक लालची इंसान है, वो फैसला करती है कि वो खुद की दर के साथ जाकर गमजी को सारी सच्चाई बताएगी। फिर कश्माला सोचती है कि अगर इसे तमाम सबूत दुआ को दे दिए तो दुआ सबको अपनी सच्चाई का सबूत दिखा देगी और मुझे गमजी के साथ साथ इसी दौलत से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसे वो सरफराज से मिलने जाती है और रकम देने के बाद सरफराज से गुस्से में बात करती है और कहती है कि अब दुआ से शादी के बाद तुम्हें बाकी रकम मिलेगी और अगर दुआ को तुमने मेरे बारे में कोई बात बताई तो मेरे गार्ड्स तुम्हारी जान ले देंगे। कश्माला के जाने के बाद सरफराज सोचता है कि अब मुझे कश्माला को छोड़कर दुआ को हर बात बताना होगी, इस तरह कश्माला को इसकी मुकाली का जवाब मिल जाएगा, मुझे तो वैसे भी दुआ बचा लेगी। दूसरी तरफ जाफर दुआ के कहने के मुताबिक सरफराज और कश्माला की मुलाकात की तमाम वीडियो बना लेता है और जाफर गार्ड्स को हुक्म देता है कि दुआ बीबी का ख्याल रखें, इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।